तुलना करने पर ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर जीरो से तुलना करने पर। अब देखिए अगर हम इस एक्स का गुणांक देखें, गुणांक मतलब इंग्लिश में कोफिशिएंट कहेंगे, क्या कहेंगे कोफिशिएंट, तो यह हो जाएगा 4 इंटू यू स्क्वायर 8 इंटू यू। अगर यहाँ सी का वैल्यू नहीं दिया है, कोई संख्या नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे जीरो, क्या लिख लेंगे जीरो बराबर जीरो। अब लिख सकते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा ए बराबर चार फोर, बी बराबर एट, सी बराबर जीरो जीरो। सभी पर किस में आ रहे हैं पॉजिटिव ना। अब हमें क्या करना है, अब फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू बराबर जीरो, क्या करने के लिए शून्य ज्ञात करने के लिए ठीक। अगर इसमें क्या कॉमन हो सकता है, देखिए यहाँ पे है फोर, फोर यू स्क्वायर है, यहाँ पे है एट यू है, यही ना भाई, फोर यू स्क्वायर और एट यू स्क्वायर, तो फोर यू स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे दो गुणे दो यू गुणे यू, और एट का होगा दो गुणे दो गुणे दो गुणे यू। अब देखें यह है दो गुणे दो कॉमन हो गया, एक और होगा, फिर दो गुणे दो फिर कॉमन, एक यू कॉमन हो जा रहा है, तो दो दुना चार, चार यू तो कॉमन हो जाएगा, कितना कॉमन होगा चार यू, तो यहाँ पे लिख ले चार यू कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे क्या बचेगा भाई, एक यू बच जाएगा, अगर यहाँ पर टू आठ में चार का भाग दें दे कितना आएगा दो, यू से यू कट जाएगा तो बचा दो बराबर जीरो। अब लिख सकते हैं चार यू बराबर जीरो लेने पर तो चार यू ऐसे कर सकते हैं यू बराबर जीरो बटे चार, यू में किससे भाग दे दें भाई, यू में सर जीरो में चार का भाग देंगे तो वैल्यू कितना आएगा जीरो, तो यह पहला वैल्यू क्या कहलाएगा अल्फा, पहला वैल्यू क्या कहलाएगा अल्फा। अब हमें निकालना है बीटा। अब इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं यू प्लस दो बराबर जीरो, यू बराबर क्या हो जाएगा ये प्लस है, बराबर की दूसरी साइड जाता है तो क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह बदल जाएगा yes, sir. अब ये हो गया बीटा ठीक yes, फिर लिखेंगे क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं अल्फा धन बीटा, बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा का वैल्यू कितना आया भाई जीरो, बीटा का वैल्यू माइनस दो, बी का वैल्यू देखिए यहाँ माइनस फार्मूला से माइनस का चिन्ह, बी का वैल्यू आठ, ए का वैल्यू क्या है चार। अब देखिए जीरो प्लस और माइनस का मल्टीपल कर दें गुणा कर दें तो कितना आएगा जीरो ही आएगा, कैसे आएगा प्लस और माइनस का मल्टीपल करेंगे तो माइनस आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा माइनस का, प्लस और माइनस का मल्टीपल के बाद माइनस दो। अब आठ में चार का भाग दे दें तो कितना बच जाएगा दो बार, काट दे अब ब्रैकेट तोड़ दे तो माइनस दो, अब जीरो में दो घटाएंगे भी तो माइनस दो, माइनस दो हाँ u प्लस टू है ना, हाँ बेटा जीरो बीटा u प्लस टू हम जानते हैं ऊपरा यही बीटा इक्वल टू u बराबर माइनस दो, बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर बी ए हो गया ना, क्लियर है यस। अब आ जाते हैं दूसरा फार्मूला क्या भाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी अपॉन ए, तो सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे जीरो, ए का वैल्यू फोर, अब अल्फा का वैल्यू कितना भाई जीरो, बीटा का माइनस दो, किसी संख्या में अगर जीरो से गुणा करते हैं तो क्या वैल्यू होता है जीरो, अब जीरो में चार का भाग देंगे तो जीरो, तो अब लिख सकते हैं
अल्फा धन बीटा माइनस बी, या यहाँ पे लिख दे सत्यापित, क्या लिख दे सत्यापित वर्डिंग दी, ठीक है क्यों सत्यापित हो गया, हमारा शून्य वैल्यू मिल गया था ठीक, और अल्फा धन बीटा पे भी वैल्यू रख लिए और अल्फा इंटू बीटा पे वैल्यू रख लिए, दोनों वैल्यू क्या हो गया इक्वल है, दोनों मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो आपका जो है यह क्या हो गया सत्यापित है, यह सत्य है, इसका आंसर सही है। प्लस सी बराबर जीरो, यहाँ पे लिख देंगे सूत्र, क्या लिखेंगे सूत्र से तुलना करने पर, तुलना करने पर ठीक है। अब एक जब देखिए क्या है चार, चार है तो ए बराबर क्या होगा चार, बी जब क्या है भाई पांच अंडर रूट दो, पांच अंडर रूट दो, सी के प्लेस पर क्या हो जाएगा माइनस तीन हो जाएगा, तो सी बराबर क्या होगा माइनस तीन, ये तो तीन मिल गए। अब हमें क्या निकालना है शून्य, क्या